पुराण का ये जो कहानी है गणेश जी का अवतरण के बारे में, इसके बारे में मन में ऐसा कुछ विचार आ रहे थे। कहानी ये है कि पार्वती नहाने गई। पार्वती ने अपने शरीर का मैल को निकाल करके उसमें एक पुतला बनाया, उसको जान दे दिया, पुत्र बना लिया। शिव जी बाहर गए थे, बाहर से जब लौट के आए ये बालक खड़ा हुआ था, ताकि पार्वती नहा रही थी। तो ये बालक ने रोका शिव जी को, ताकि पहचानता नहीं था कि पार्वती ने ही तो बनाया उनको। तो शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने इनका सिर काट दिया। और फिर जब पार्वती को पता चला, पार्वती बड़ी दुखी हो गई, अरे मेरा पुत्र का इस तरह से वध कर दिया। फिर शिव जी ने कहा कि कौन सा प्राणी या व्यक्ति उत्तर के ओर सिर रख के सो रहा है, वो लेके आओ। जब पृथ्वी में आए, सिर्फ एक हाथी उत्तर की तरफ सिर रख के सो रहा था और कोई नहीं सो रहे थे। तो हाथी का सिर काट के लेके आए, इसमें रखा, फिर गणेश जी बन गए। फिर उनको वरदान दे दिया, ताकि गुस्सा किया तो वरदान भी देना पड़ेगा। तो पहले गुस्सा करके पश्चाता होने पे फिर उनको पुसलाना पड़ता है ना, तो पुसलाए, फिर बोले जब पहला पूजा तुम्ही को होगी। ये जो पुराण की जो कहानी है, उटपटांग कहानी, अटपटा सा लगता है। क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल जमा हुआ था? पहला प्रश्न। दूसरा, जो त्रिकाल ज्ञानी सब कुछ जानने वाला ईश्वर को ये नहीं पता चला कि ये मेरा बेटा है, पार्वती का बेटा है। अच्छा, तीसरा प्रश्न ये कहते, अच्छा शिवजी इतना, उनमें इतना ये असहनशीलता थी क्या? किसी ने बोला तुम रुको अभी, तो उनको रोकने के लिए भी मना करे, इतना अहंकारी था सदाशिव? ताकि वो बच्चा है, वो कह रहा है रुको मैं अभी नहीं जाने दूंगा, तो उसका सिर काट दे। कितना क्रूर कठोर भगवान होगा तुम्हारा ये, और नासमझी होगा। मान लो आपको कोई गार्ड कहीं रोकता हो, तो आप उसका सिर काट दोगे? चाहे आप ही के घर का गार्ड क्यों ना हो। माने शिव इतना क्रोधी, असहनशील, अज्ञानी, और पार्वती इतना मैल डोलने वाली, और अपने मैल से ये बच्चा बनाने वाली। तो जो आस्था नहीं रखते हिंदू धर्म में, वो इस सब कहानी को ले ले करके हिंदू धर्म की खूब पिटाई करते हैं। और हमारे देश के, हमारे धर्म के जो युवकों को इसमें से हटाते हैं। और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, बच्चा का शरीर छोटा है, हाथी का सिर इतना बड़ा है, उसके ऊपर हाथी का सिर रखा, और इतना भी समझदार नहीं है कि ये तो ये चूहे पर कभी चढ़ नहीं सकता है, तो उसका वाहन दिया चूहा। इतने से चूहे के ऊपर आदमी, वो आदमी के ऊपर इतना बड़ा सिर, किसी को कोई इसका माप तोल का, मापदंड का कोई ज्ञान ही नहीं होगा। या बदला लेने के लिए किया होगा इतना शिवजी ने किया हो। चूहा उनका वाहन यदि शिवजी ने दिया है, तो कितना क्रूर कठोर होंगे तुम्हारे भगवान। भगवान कैसे कहोगे तुम्हारे इस तरह का, जो जुल्म करने वालों को।